नवनीत दवानी, इस खबर के बाद मानसून केरल पहुंचने के बाद एग्री मार्केट में अब आपका कमेंट क्या होगा? क्या एग्री कमोडिटी में कुछ दबाव आप देख रहे हैं? जी, ऐसा कुछ खास प्रेशर नहीं देखा गया है एंड केरला में मॉनसून हिट करने की जो संभावना है वो पिछले 2-3 दिन से मार्केट फैक्टर इन करके बैठा है, तो इसके चलते ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आज के आज कुछ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन होगा। लास्ट 2 दिन में जो प्राइस मूवमेंट अपसाइड देखे, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा करेक्शन की संभावना पॉसिबल है, बट कोई मेजर स्टांस चेंज नहीं हुआ अब तक। ठीक है कुणाल, एग्री मार्केट पर अब आपका कमेंट क्या होगा? मानसून फाइनली केरल पहुंच चुका है, क्या ये माना जाए कि अब एग्री मार्केट कुछ दिनों तक दबाव में रहेगा? जैसे आपके नॉर्थ इंडिया में ऑनसेट होता है, केरला में तो हो गया है, पर जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये सब एरिया में जैसे मानसून का ऑनसेट होता है, आप ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा दबाव हर एक एग्रीकल्चर कमोडिटी में देखने मिलेगा। इंट्राडे के लिहाज से मे बी ये कंटिन्यू रह सकता है, बट ब्रॉड टर्म के लिहाज से डेफिनेटली नीचे आना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और काउंटर की जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ स्काईमेट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महेश पालावत जुड़े हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। IMD ने ऐलान कर दिया है मानसून पहुंचने का केरल में, अब आपका ताजा अनुमान क्या है, उसके बाद मानसून आगे किस तरह से बढ़ने वाला है? देखिए, बारिश तो कई दिनों से केरल में और कर्नाटका में हो रही थी, मतलब आप कह सकते हैं कि 28 तारीख से 28 मई से ही बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन एक दो क्राइटेरिया जो मैट नहीं कर रहे थे इसलिए डिक्लेयर नहीं हुआ था। अब मानसून डिक्लेयर हो गया है और अभी केरल में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश अच्छी होती रहेगी और हमें उम्मीद है कि 2 या 3 दिन के अंदर वो महाराष्ट्र तक मानसून को पहुंचाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, खासकर साउथ मध्य महाराष्ट्र, कोल्हापुर वगैरह जो सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी, इन सब इलाकों में, और ईस्ट कोस्ट में भी अच्छी बारिश हो रही है। आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बारिश शुरू हो गई है और आगे विदर्भ और मराठवाड़ा जहां पर काफी सूखा पड़ा हुआ था पिछले 2 सालों से, वहां पे भी अगले 2-3 दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तो आप कह सकते हैं कि मानसून अब अच्छी रफ्तार पकड़ेगा और टाइमली, जो थोड़ा सा डिले अभी अजमेंट ने बताया है कि जो डिले से आया है वो फिर ऑलमोस्ट मेकअप कर जाएगा। ओके पलावत जी, जो आपने कहा कि 2-3 दिन में महाराष्ट्र में मानसून आगे बढ़ेगा, ओवरऑल अगर हम बात करें तो रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से रहने वाला है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर ज्यादा बारिश की संभावना है और कौन कौन से एरियाज ऐसे होंगे जहां पर थोड़ी बहुत चिंता की बात होगी मानसून के लिए? देखिए, इस समय जो है, जो पूरा अगर जून से सितंबर तक का मानसून का आकलन करें तो जो तमिलनाडु है वो वैसे भी मानसून में उसमें कम बारिश होती है, तो वो उसमें थोड़ा सा कमी रहेगी, और साउथ इंडिया, कर्नाटका, जो बेंगलोर और मैसूर का इलाका है जो तमिलनाडु सटा हुआ है, उसमें थोड़ी बारिश कम हो सकती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी थोड़ा बारिश सामान्य से कम हो सकती है और बाकी जो सबसे ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है वो सेंट्रल इंडिया में, खास करके विदर्भ में, MP, छत्तीसगढ़ और जो राजस्थान का पूर्वी इलाका है इसमें सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, और बाकी जो साउथ पेनिनसुला है यानी कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र, इसमें भी सामान्य या सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश हो सकती है। और जो पिछले कई सालों से हरियाणा, पंजाब और यूपी में जो थोड़ी बारिश कम थी उसमें भी इस बार सामान्य बारिश है, तो आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफी फेयर होगा। केवल बिहार और ईस्ट यूपी के कुछ इलाकों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश हो और बाकी सारे इलाकों में बारिश काफी अच्छी होगी। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश पालावत हमसे जुड़ने के लिए और मानसून पर ताज़ा अपडेट बताने के लिए कि मानसून आगे किस तरह से बढ़ने वाला है।